अब अगली बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। कांग्रेस भरोसे का सम्मेलन आज किया जाएगा, बीजेपी पर तंज कसा जाएगा, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन जो है आज किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का ये बयान भी सामने आया है। उनके द्वारा कहा गया है कि प्रदेश की जनता जो है कांग्रेस की सरकार के द्वारा ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। विधायकों को जो है मंत्रियों का मुख्यमंत्री से भरोसा उठ गया विधायकों के द्वारा, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष चंदेल का बयान सामने आया है, जो प्रदेश की जनता है विश्वास उनका उठ गया है। कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन पर बीजेपी के द्वारा तंज कसा गया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है, प्रदेश की जनता का कांग्रेस की सरकार से भरोसा उठ गया है, ये उनके द्वारा आरोप लगाया गया। विधायकों का मंत्रियों से भी भरोसा उठ गया, उसी के साथ मंत्रियों का मुख्यमंत्रियों से भरोसा उठ गया, ये नेता प्रतिपक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है। प्रदेश की जनता का विश्वास और भरोसा जो है उठ गया है कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन, अब उस पर भी बीजेपी का वार देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के द्वारा ये बयान दिया गया है। प्रदेश की जनता का कांग्रेस की सरकार से विश्वास उठ गया है, विधायकों का मंत्रियों से भरोसा उठ गया है और मंत्रियों का मुख्यमंत्री से भरोसा उठ गया है। और इसी पर अब जो है कांग्रेस भरोसे का सम्मेलन उनको करना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के द्वारा कांग्रेस पर तंज कसा गया है, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। रायपुर से सामने आ रही कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन पर अब बीजेपी का वार देखने को मिला। आज जांजगीर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आगमन हो रहा है और वहां पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भरोसे का सम्मेलन रखा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के विधायकों से भरोसा उठ गया है, विधायकों का मंत्रियों से भरोसा उठ गया है और मंत्रियों का और उप मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री से भरोसा उठ गया है और प्रदेश की जनता का इस कांग्रेस की सरकार से भरोसा उठ गया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी आज जांजगीर में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में भरोसे का सम्मेलन कर रहा है और इस प्रदेश की जनता का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए कांग्रेस के हाईकमान ने इसे कहा है कि भरोसे का सम्मेलन करो, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा अब भूपेश की सरकार से उठ चुका है।